जी नमस्कार, आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और ऊना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रोटरी चौक में अभी हादसा हुआ है। सीधी तस्वीरें आपको यहां से दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये हादसा हुआ है और बाल बाल। नमस्ते जी, तो हादसे की तस्वीरें जो ऊना से आपको ऊना में एक्सीडेंट किसी भी तस्वीरें, एक बड़ा हादसा ऊना में। पीछे हट जाओ दो मिनट, मुझे रोड खाली करो। ओ यार, वो बंदे का भी पिक करा लो, थोड़ा सिर पटे हुआ उधर एक दो बचे हुए। एयर बैग ही खोलियो तो ऊना के रोटरी चौक में एक बड़ा हादसा। ऊना में एक बड़ा हादसा हुआ है और आप पंजाब के सीटीवी में आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ऊना में रोटरी चौक पर एक हादसा हुआ है जिसमें काफी लोग घायल हुए हैं और ट्रक और इनोवा जो है वो उसमें जबरदस्त टक्कर हुई है और आप देखेंगे कितने यहाँ पे भीड़ एकत्रित हुई है। बैलून देखिए हादसे के बाद कैसे खुले बैलून और उससे बाल बाल बचे हैं जो इनोवा सवार हैं और ये जो टक्कर हुई है। दिखाओ क्या हुआ जी, ये कैसे हुआ हादसा? ये चंडीगढ़ जा रहे थे जी, को रोड चला जी, तो एक्सीडेंट हो गया जी। तो ऊना में रोटरी चौक और यहाँ पे हादसा हुआ है, आप देखेंगे किस तरीके से लाइव तस्वीरें पंजाब केसरी टीवी पर आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ नंबर की ये गाड़ी है जिसमें जोरदार एक टक्कर हुई है और गाड़ी के बैलून देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी गाड़ी जो है आगों के क्षतिग्रस्त हुई है और काफी भीड़ यहां पे एकत्रित हो चुकी है। ये तस्वीरें ऊना से है और ऊना के रोटरी चौक पे अभी ये हादसा हुआ है। एक टेम्पो और इनोवा और एक ट्रक बीच में आ गया था, उससे हादसा हुआ है और गाड़ी के बैलून जो है वो खुले हैं जिससे जो सवार है बाल बाल बचे हैं। लेकिन कुछ लोग जो टेम्पो में थे उनके वो घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए ले जाया गया है। और आप देखिए रोटरी चौक ऊना, यहाँ पे आए दिन हादसे जो है वो हो रहे हैं और अभी लंबा जाम, ट्रैफिक जाम यहाँ पे जो है वो लग चुका है। तो देखिए किस तरीके से ये गाड़ी के बैलून जो है वो खुल गए जिससे इसमें सवार बाल बाल बचे। और ये व्यस्ततम चौक है, यहाँ पे कोई भी पुलिस की जो व्यवस्था है वो नहीं है और ट्रैफिक पुलिस ना होने की वजह से आए दिन यहाँ पे हर रोज हादसे हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज एक एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद देखिए लंबा जाम जो गाड़ियों का यहाँ लग चुका है।
जैसे पुलिस लाने में काफ़ी वहाँ पसीने छूट रहे हैं। आप देखिए ये गाड़ी जो है वो पूरी तरह से टूटी है और इसके बैलून जो है वो खुले हैं, जिसकी वजह से ये एयरबैग खुले हैं। एयरबैग खुलने से जो इसमें सवार है वो बाल बाल बचे हैं, जबकि टेम्पो जिसके साथ ये टक्कर हुई है वो उबर घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। और आप देखिए कितना लंबा जाम जो यहाँ पे लग चुका है। तस्वीरें ऊना के रोटरी चौक की है और ये एक दिन का विषय नहीं है, हर रोज यहाँ हादसे होते हैं और ट्रैफिक पुलिस यहाँ बहुत कम दिखाई देती है, और जिसकी वजह से क्योंकि ये टर्न है, टर्न पर जैसे ही गाड़ी एक तरफ पर जाती है तो दूसरी तरफ से गाड़ियां आकर उसमें टकराती हैं, तो ये काफ़ी खतरनाक जो चौक है वो बन चुका है। तस्वीरें ऊना से है, ऊना जिला मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रोटरी चौक ऊना, और आप ये देखिए किस तरीके से ये सड़क हादसा हुआ है, जिसके बाद अभी यहाँ जाम जो है वो लगा हुआ है। एयर बैग खुलने से बाल बाल जो यात्री हैं इस गाड़ी के बचे हैं। मेरिडियन जीप कंपनी की ये गाड़ी है जिसमें ये टक्कर हुई है, और आप देखिए ज़्यादा टक्कर तेज सी, जिससे ये पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। क्या हुआ जी, हुआ क्या जी? जी अच्छा, मतलब इसकी सीधी इसने देखा नहीं इधर उधर? जी 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 इनको भी लगी है। तो टेम्पो में सवार जो लोग थे वह घायल हुए हैं, और ये गाड़ी क्योंकि एकदम टर्न की गई, जिसके बाद टेम्पो के साथ टकराई है और एयर बैलून जो है वो खुले हैं, जिससे ये गाड़ी सवार बाल बाल बचे हैं। तो इससे लंबा जाम जो है वो यहाँ पे लगा है रोटरी चौक ऊना। तो ये बड़ी खबर ये है कि ये पंचकुला की पुलिस है जो कांगड़ा में रेड करके यहाँ पे आई है, ऐसी जानकारी मिली है कि ये गाड़ी पंचकुला पुलिस की है, हरियाणा के पंचकुला के पुलिस है जो कांगड़ा में एक रेड के लिए गई थी, और यहाँ पे ये टर्न लेने लगे थे रोटरी चौक पर, और ये गाड़ी जो है हादसे का शिकार हो गई। आप देखेंगे ये पुलिस है जो बताया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिली है कि रेड के लिए जो कांगड़ा ये गाड़ी गई थी और यहाँ पे हादसे का शिकार हुई है। टेम्पो में सवार जो है वो लोग घायल हुए हैं और उन्हें उपचार के लिए अभी अस्पताल जो है वो ले जाया गया है, उपचार किया जा रहा है। पुलिस यहाँ पे पहुँची है और जो देखिए लंबा जाम जो यहाँ पे लग चुका है। तो ऊना से ये खबर है, ऊना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ पर ये गाड़ी पंचकुला पुलिस की बताई जा रही है। और आपको फिर से बता दें कि ऊना के रोटरी चौक पर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ये रोटरी चौक है, व्यस्ततम चौक है, यहाँ ट्रैफिक पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है। जब भी टर्न होता है तो गाड़ियाँ एकदम यू टर्न लेती हैं और दूसरी तरफ हर दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियाँ टकराती हैं, और हरियाणा के पंचकुला की पुलिस की ये गाड़ी थी जो कांगड़ा में रेड करके आई थी, ऐसा बताया जा रहा है। जब इन्होंने यू टर्न लिया तो टेम्पो के साथ टक्कर हुई, टेम्पो में जो ड्राइवर था उसके साथ कुछ और सवार थे, उन्हें चोटें आई है, गंभीर चोटें आई है। तो अभी यहाँ पे पुलिस जो है वो पहुंची है। आप देखिए कितना लंबा जाम, एयर बैग जो खुले हैं जिससे इसमें सवार पुलिस के कर्मी और दूसरे लोग जो है उनका बचाव हुआ है। जीप कंपनी की ये
मेरिडियन गाड़ी है और इसको काफी नुकसान हुआ है। अभी यहाँ जाम खुलवाने के लिए पुलिस को काफी मुश्किल जो है वो आ रही है। आप देखिए कितना लंबा जाम जो है वो यहाँ पे लग चुका है। बैग ले जाओ। लंबा जाम गाड़ियों का और हादसा हुआ है रोटरी चौक पर। देखिए किस तरीके से ये गाड़ी हादसे का शिकार जो है वो हुई है। एक बार फिर से बता दें कि ऊना के ऊना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रोटरी चौक में ये हादसा हुआ है। जो एक पंजाब हरियाणा पुलिस की गाड़ी पंचकुला की जो कांगड़ा में रेड के लिए गए थे वो कर्मी उस गाड़ी में थे। एयर बैग खुल के बचाव हो गया लेकिन टेम्पो में टकराई, उससे काफी लोग घायल हुए हैं और अभी पुलिस यहां पे पहुंची है। तो ये देखिए जाम जो है उसकी स्थिति बनी हुई है। अभी ये अच्छा ये टेम्पो यहाँ बड़ी तेज होनी ये जो गाड़ी है जिसमें ये पंचकुला पुलिस के जो जवान बताए जा रहे हैं। तो सर कहाँ से आ रहे थे आप कहाँ से आ रहे थे? एयर बैग खुले हैं, आप देख सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार हुई होगी जिससे गाड़ी के दोनों एयर बैग जो है वो खुले और इससे जो उसमें ड्राइवर और उसके साथ सीट पर बैठे जो पैसेंजर थे पुलिसकर्मी हैं, ये हरियाणा पुलिस के पंचकुला के बताए जा रहे हैं। और गाड़ी के किस प्रकार से परखचे जो है वो उड़े हैं। हादसे का शिकार हुई है ये जीप कंपनी की गाड़ी है और दोनों एयर बैग इसके खुले हैं जिससे ये पैसेंजर जो है वो बाल बाल बचे हैं। ऊना के रोटरी चौक पर ये हादसा हुआ है।
पुलिस यहाँ पर पहुंची है और अभी ये Thank you.